Yes, class. Hello, everyone. Today we will discuss a polynomial for class 10. Next part, I think you have seen our last two video, and in this video we will discuss cubic polynomial. We have already discussed about the quadratic polynomial. Quadratic polynomials के बारे में हमने बता रखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और इसके रिलेशन के बारे में भी बता रखा था क्लास, कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज द सम ऑफ रूट इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस सॉरी प्लस सी अपॉन ए होता है, यानी कॉफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कॉफिशियंट ऑफ सॉरी कॉन्स्टेंट अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. क्लास इसको कभी ना भूलने का एक तरीका है मेरे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इन दोनों साइड में ए से डिवाइड कर दे, है ना, और दिस वन ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो. ये ए कट गया क्लास, दैट विल बी द एक्स स्क्वायर और प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए. क्लियर है क्लास? नाउ दैट इज द अल्फा प्लस बीटा के लिए यहां केवल माइनस का साइन लगाना है, बी अपॉन ए, और यहां पे जो होता है अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए. प्लस इसी तरह से हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, अगर आपको इवन पॉलिनोमियल्स अगर ये इफ यू हैव गिवेन दिस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ए, यू कैन ऑल्सो राइट इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो. अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए बोला जाए तो इसके ये फॉर्मूला है, आपको क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा यू हैव टू नीट इट, है ना. अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपके पास है, यू कैन राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. Yes class, today we will discuss the cubic polynomials and relation between their roots. Cubic polynomials का क्या हो गया, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो. क्लास आई हैव टोल्ड यू दैट कि हमेशा डिग्री थ्री होना चाहिए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री थ्री होना चाहिए और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए फोर होना चाहिए. क्लियर है क्लास? सो वी विल डिस्कस ऑन दिस सेम एज इट इज, वी विल डिवाइड बोथ साइड ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, दोनों साइड ए से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, दैट इज द एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन ए इक्वल टू जीरो. ये है क्लास, इसके तीन रूट होंगे. लेट थ्री रूट आर अल्फा बीटा गामा. अभी तो इस पे कोई रूट हमसे निकलेंगे नहीं, क्योंकि ये जो होता है क्लास ए अपॉन बी के वेरिएबल के रूप में है, है ना. तो सपोज मैंने कर लिया कि अल्फा बीटा और गामा कोई भी इसके रूट्स हैं, तीन रूट्स हैं, तो क्लास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, और एक होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल टू होगा
सी अपॉन ए, एक माइनस में दूसरा प्लस में और तीसरा फिर माइनस में, यानी माइनस प्लस माइनस। एंड थर्ड रूट अल्फा बीटा एंड गामा, दैट विल बी डी अपॉन ए। होप सो यार इट इज क्लियर। दिस वन इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए। दिस इज द रिलेशन बिटवीन देयर रूट, है ना। कभी आपको ये जो होता है पूछा जाता है, और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले के लिए यही पूछे जाते हैं क्लास हमेशा, ये तो होता है एक क्वेश्चन आपका रहेगा रहेगा, दैट इज डन। एंड नेक्स्ट, अगर आपको ये सारे दिया हुआ रहे, है ना, इफ, है ना, दिस इज गिवन, अगर ये आपको गिवन है और कहे क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखे, क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखे, हाउ यू विल राइट, दैट विल बी द एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है भी इसके, एक्स क्यू एक्स एंड अगेन दैट विल बी द प्लस अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल टू जीरो, सॉरी यहां माइनस होगा, दिस वन इज द माइनस। सो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया रहे तो ऐसे आप निकाल सकते हो, अगर आपके पास ये दिया रहे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यू कैन फाइंड इट क्लास। नाउ वी विल टेक एन एग्जांपल, बाय एग्जांपल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। यस क्लास, नाउ फाइंड द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस, एक कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है क्लास, यू विल जस्ट लुक एट हियर, 4x क्यूब 10x स्क्वायर प्लस 6x, ये जो होता है जो कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 6x, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, कांस्टेंट टर्म जीरो मान लेंगे या कुछ भी मान लेंगे, बट क्लास द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 3, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड द रूट्स ऑफ और जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो बाय द फैक्टराइजेशन मेथड यू कैन फाइंड 2, यहां से कॉमन आ रहा है 2x, सारे से वी कैन फाइंड 2x क्यूब प्लस 5x 2xxx स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये है हमारा 2x दैट विल बी, अब इसको हम लोग किससे, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, 2x plus 3x plus 3, वी कैन राइट 2x, कितना कॉमन आ जाएगा 2x क्लास, x प्लस 1, और यहां से 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1, दिस वन 2x plus 3 और x प्लस 1, ये यानी आपका 3 फैक्टर, देखिए 2x फर्स्ट फैक्टर, सेकेंड फैक्टर 2x प्लस 3, थर्ड फैक्टर x प्लस 1। अब ये देखिए, आइदर 2x इक्वल टू 0, जीरो आएंगे, इसके रूट्स होंगे, तो 0 अपॉन 2 क्या होगा क्लास, 0, है ना, एंड 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा, जीरो,
2x is equal to minus 3, x is equal to minus 3 upon 2. चलिए एक और देखते हैं यहाँ पे, दूसरा अपना x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1. तो x की 3 वैल्यू आई, 0, दिस एंड माइनस 1, ये तीनों आ गया प्लस. अब वेरीफाई हम लोग कैसे करेंगे, वेरीफाई वही करते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. ये यहां पे अगर सोच ले, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा. ऐसा हम लोग सपोज करिए कि ये अल्फा बीटा गामा, इसके तीन अनमोल रत्न ये. नाउ वी विल ऐड देम, 0 प्लस कितना आ गया, 0 प्लस 3 अपॉन 2 माइनस और प्लस माइनस 1. व्हाट यू विल गेट, दैट इज द माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 1 और यहां पे हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 2 यानी कि माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 2. अब यहां से निकाल के देखिएगा तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, कॉफिशियंट ऑफ कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब. माइनस का साइन इसमें लगता है पहली बार. चलिए तो ये कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है क्लास, 10 अपॉन 4 है, तो 4 5 4 जा 10 2, क्या आया, सॉरी 5 2 जा 10 एंड 2 4 जा 2 2 जा 4, दैट विल बी माइनस 5 अपॉन 2 क्लास, माइनस 5 अपॉन 2. देखो दोनों आ गया सेम इक्वल आ गया, तो वेरिफिकेशन राइट है. दूसरा कौन है हमारे पास, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये भी देखिए ये कितना हो जाएगा, 0. इसे थोड़ा रख कर लू क्या, यहां पे लिख लेते हैं गामा माइनस 1. देखो अल्फा इंटू बीटा यानी 0 इंटू कितना हो गया, माइनस 3 अपॉन 2 प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा कितना है क्लास, माइनस 3 अपॉन 2 और गामा कितना है, माइनस 1 और प्लस फिर कितना है, अल्फा इंटू बीटा यानी 0 इंटू कितना हो गया, माइनस 1. 0 से किसी से किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है. क्लास दिस वन इज 0 और ये कितना हो गया, 3 अपॉन 2 और ये कितना हो गया, 0. तो हमारा क्या आया, 3 अपॉन 2. अब यहां से हम लोग देख लेते हैं, ये जो होता है 6 अपॉन 4 तो 3 अपॉन 2 यानी ये सही हो गया. अब एक तीसरा है अल्फा बीटा एंड गामा, इसका भी चेक कर लीजिए क्या आएगा. ये हो गया 0 इंटू माइनस 3 अपॉन 2 इंटू माइनस 1, 0 आएगा और इसका थर्ड पार्ट क्या है, 0 है. क्लास 0 अपॉन कुछ भी होगा तो यही होगा, है ना. तो आई थिंक ऑल्सो यू नाउ यू हैव क्लियर इट दिस एंड यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस व्हाटएवर गिवन इन योर होमवर्क. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.